खट्टी मीठी चाय 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 और खाने को खाने को खाने को। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार। अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब आपसे क्या पैसे लेना। तो फिर क्या लोगे? नहीं नहीं, आप तो मुझे एक बार उस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए प्लीज। बोलो तो, मेरे पास एक रामबाण दवा है जिसे पानी के साथ मिलाकर गटागट पी जाओ, सुपरमैन की तरह। मकान मालिक का देखेला है के या तो खोली का भाड़ा भरो, नहीं तो खोली खाली करो। दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, पर अगर कोई चीज दिखती ही नहीं तो वो कैसे बिकेगी। टैलेंट का भी ऐसा ही है, अगर मौका मिले तो दर्शक उसे देख पाएंगे, इसीलिए ना दिखने वाली चीज को बेचना बहुत मुश्किल होता है। यही नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया है अभिनेता अनु कपूर ने। एक बहुमुखी कलाकार जो एक्टिंग के साथ गायन कला में निपुण है। जब भी बेहतरीन एंकर की बात होती है तो अनु कपूर का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अनु कपूर उर्फ अनिल कपूर का जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ था। उनके पिताजी मदन लाल एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। अनु कपूर के दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर मिलिट्री में कर्नल थे, तो वहीं परदादा लाला गंगाराम कपूर स्वतंत्रता सेनानी थे। दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर ने अपने परिवार को बहुत धनवान बनाया। मदनलाल कपूर ने भी इस सुख का लाभ उठाया, पर अनु कपूर के जन्म के बाद ये परिवार कंगाली के गर्दिश पर आ गया। इसी बात को देखते हुए माँ कमल सबनम कपूर अपने बेटे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनता देखना चाहती थी। अनु कपूर की माँ खुद संगीत की जानकार थी, माँ के गुण बेटे में भी उतर आए। फिर भी उन्होंने कला क्षेत्र में ना जाने की नसीहत अपने बच्चों को दी थी। कमल सबनम कपूर बंगाली होते हुए भी उनकी बंगाली कमजोर थी, पर उर्दू के साथ पर्शियन, पंजाबी और मराठी जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। यहाँ तक वो मराठी भाषा के 3 से भी अधिक बोली भाषा बोल लेती थी। इस वजह से अनु कपूर अपने व्यापकता का पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। मदन लाल एक थिएटर कंपनी चलाते थे। उस दौर में कलाकारों को बड़ी घृणा से देखा जाता था, इसीलिए उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। शायद इस वजह से उनकी संपत्ति में गिरावट आई होगी। माँ ने ये सब देखा और कला क्षेत्र से नफरत करने लगी। इस परिवार के दादाजी और परदादाजी ऊंचे ओहदे पर थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। माँ का भी यही कहना था कि उनके बच्चे भी इसी प्रतिष्ठा के पीछे भागे। अनु कपूर भी इंजीनियर या फिर सरकारी अफसर बनना चाहते थे, पर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि उनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाए। इस घटना से माँ का सपना टूटा और खुद अनु कपूर भी निराश हो गए। पढ़ाई छूटने के बाद अनु कपूर ने चाय की दुकान खोली, लॉटरी के टिकट बेचे, पटाखों की दुकान चलाई। ऐसे छोटे बड़े काम करके जिंदगी चल रही थी। फिर अनु कपूर के पिताजी ने उन्हें थिएटर कंपनी ज्वाइन करने की सलाह दी। उनका कहना था कि छोटे बड़े काम से बेहतर थिएटर कंपनी है। पिता के इस बात से माँ को बुरा लगा, पर अनु कपूर के पास भी कोई चारा बचा नहीं था। बेहाली में उन्होंने तो थिएटर कंपनी ज्वाइन तो कर ली, पर पैसे कमाने के लिए उन्हें वहाँ भी संघर्ष करना पड़ा। उस दौर के मशहूर कहानियों पर उन्होंने नाटक बिठाए, तो इस तरह से अनु कपूर अभिनय क्षेत्र का एक विभिन्न अंग बन गए। उनकी माँ इस क्षेत्र से नफरत करती ही थी, पर क्योंकि वो खुद भाषा विशारद और संगीत की ज्ञानी थी, इसीलिए इस बात का फायदा अनु कपूर को स्टेज पर हुआ। थिएटर कंपनी में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद वे NSG में दाखिल हो गए। तब तक उनके भाई रंजीत कपूर ने भी मुंबई जाकर लेखन कार्य का काम शुरू किया था। जिस वक्त अनु कपूर NSG से बाहर निकलकर काम की तलाश में भटक रहे थे, तब उनके भाई रंजीत कपूर ने मुंबई में बतौर राइटर अपना नाम बना लिया था। NSG से निकलने के बाद अनु कपूर फ्रीलांसर बन गए। एक दिन भाई रंजीत कपूर ने उन्हें एक नाटक में काम करने के लिए मुंबई बुला लिया। सही मायने में अनु कपूर की किस्मत मुंबई आकर चमकने लगी। उस वक्त के महान फिल्मकार श्याम बेनेगल को अनु कपूर का काम पसंद आया और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म मंडी में उन्हें कास्ट कर लिया। मंडी फिल्म के बाद भी अनु कपूर को कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हुई।
अनु कपूर का कहना है कि उन्होंने अपनी माँ से मेहनत करना सीखा है और उसी मेहनत बल पर उन्हें कामयाबी हासिल हो पाई है। ना कोई खूबसूरती थी और ना ही किसी बड़े फिल्मकार का सर पर हाथ, पर अनु कपूर समय के घोड़े पर सवार हो गए अपनी मंजिल को काबिज करने। इंसान चेहरे से बिकता है, पर टैलेंट कैसे बिकता, वो तो दिखता ही नहीं। इस पर अनु कपूर अपने दूरदर्शन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उन दिनों वे दिल्ली में ही थे और वहां के दूरदर्शन केंद्र के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बेहद ही अच्छे तरीके से समझा और सवारा। दूरदर्शन ने उन्हें आर्थिक सहारा दिया, इसीलिए उन्होंने भी कभी दूरदर्शन का साथ छोड़ा नहीं। एक्टिंग के साथ टेलीविजन जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। 1992 में जी टीवी अंताक्षरी नाम का शो बन रहा था, उसमें कोई दूसरा कलाकार बतौर एंकर काम कर रहा था, पर शूटिंग के वक्त वो कलाकार सेट छोड़कर भाग गया और उसकी जगह अनु कपूर ने ले ली। अनु कपूर ने भी अपने शर्तों पर काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने स्क्रिप्टिंग में बदलाव किए और उस दिन भारत को पहला बेहतरीन टीवी एंकर मिला। आप जानते ही हो कि अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर है, पर जब वे इंडस्ट्री में अपना सफर तय कर रहे थे तब दूसरे अनिल कपूर ने बहुत बड़ी उड़ान भर ली, इसी कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर अनु कपूर रख लिया। घर में भी उन्हें सभी लोग अनु पुकारते थे। एक दिन किस्सा ऐसा हुआ कि वे अनिल कपूर के साथ तेजाब फिल्म कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफिस में वे अपना चेक लेने गए। ऑफिस वालों ने उन्हें गलती से फिल्म के हीरो अनिल कपूर का चेक दे दिया। अनु कपूर ने देखा तो वो चौंक गए। इतनी अधिक धनराशि देखते ही उन्हें लगा कि फिल्मकार को उनका काम पसंद आया होगा, इसीलिए खुश होकर इतने सारे अंकों का चेक दिया होगा। पर बाद में ऑफिस से उन्हें कॉल आया और पता लगा कि वो चेक फिल्म के हीरो अनिल कपूर का है। उस किस्से के बाद अनु कपूर ने अपना नाम बदल दिया। अनु कपूर ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि बतौर फिल्मकार उन्होंने फिल्म मेकिंग में भी कार्य किया है। 1994 की अभय फिल्म बनाकर उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। उसके बाद उन्होंने बतौर एंकर देश विदेश में भारतीय संस्कृति और भाषा का प्रचार किया। इस सामाजिक कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार ने अनगिनत अवार्ड दिए। अभय फिल्म खास रूप से बच्चों पर आधारित थी। उन दिनों नाना पाटेकर बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फी 65 लाख रुपए हुआ करती थी। सिर्फ अनु कपूर के लिए उन्होंने 21,000 रुपए लिए थे। जैसे कि अनु कपूर कहते हैं कि उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली, पर उन्हें अपनी जीवन साथी बड़े आसानी से मिल गई। अनुपमा को उन्होंने देखकर तुरंत प्रपोज किया था, तब उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़की उनसे कई गुना अमीर है। मुंबई के छोटे से कमरे में अनु कपूर रहते थे। अनुपमा की माँ को ये डर था कि उनकी बेटी इतने गरीब इंसान के साथ कैसे जिएगी। कहा जाता है कि शादी के बाद उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ा और वे दोनों अलग अलग रहने लगे, पर 2008 में अनु कपूर ने अनुपमा से दोबारा शादी कर ली। अनुपमा से दोबारा शादी करने से पहले उन्होंने अरुणिता मुखर्जी से शादी की थी। उनसे उन्हें आराधिता नामक बेटी हुई। अरुणिता से शादी करने के बाद भी अनु कपूर अनुपमा के संपर्क में थे। इस कारण से उनका दूसरा विवाह भी टूटा और अनु कपूर दोबारा अनुपमा के पास चले गए। अनुपमा से उन्हें 3 बेटे हैं, माहिर, कवम, अवान। बहुत कम लोगों को पता है कि मशहूर अभिनेता ओमपुरी उनके हैं। जी हाँ, अनु कपूर की बहन सीमा की शादी ओमपुरी से हुई थी। अनु कपूर के एक भाई निखिल कपूर भी फिल्मों में सक्रिय हैं। उनके बड़े भाई रंजीत कपूर का भी पारिवारिक जीवन इतना सरल नहीं रहा। रंजीत कपूर से रिश्ता टूटने के बाद मधुमती ने एक्टर अनुपम खेर से शादी कर ली। अनुपम खेर ने भी मधुमती का साथ छोड़ दिया और किरण खेर से शादी कर ली। भाई और खुद के पारिवारिक संघर्ष के चलते अनु कपूर कहते हैं कि उनका जीवन कभी भी सरल नहीं रहा है, पर आज के समय में अनु कपूर और अनुपमा खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। पारिवारिक माहौल ने उन्हें फिल्मकार बनने से रोका और फिल्म के बदलते रुख ने उन्हें फिल्म देखने से वंचित कर दिया। इस सवाल पर वे कहते हैं कि आज की फिल्में देखकर इंसान कुछ सीख ही नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई अच्छी फिल्म आती है तो वो उसे जरूर देखते हैं। अनु कपूर अकेले व्यक्ति नहीं है जो फिल्मों में होते हुए भी फिल्में नहीं देखते। उनके अलावा भी दूसरे कलाकार हैं जो फिल्म देखना पसंद नहीं करते। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल
बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।